माइक म्यूट कर लो बेटा सब। देखो ये मैंने फिक्स फैक्टर लैंड किया था। देखो हम क्या कर रहे थे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे थे जिसका नाम क्या था, दूसरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था। याद आया कुछ? देखो मैं ना यहाँ साथ साथ कुछ टाइप करते जा रही हूँ डेटा, आप उसको बस देखते जाना और समझना। देखो ये क्या था, शॉर्ट रन की बात कर रही थी मैं, ठीक। फिर इसको मैं दूसरा नाम क्या बोल रही थी कल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल रही थी मैं। फिर क्या बोल रही थी मैं इसको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर बोल रही थी मैं। फिर क्या बताया था आपको, शॉर्ट रन में क्या होता है, इनपुट रहता है और उससे क्या मिलता है अपने आप अपने को, कुछ आउटपुट रहता है। फिर लेबर मैंने क्या बताया था आपको, लेबर क्या रहेगा इसमें, हमेशा वेरिएबल जो चेंज होता रहेगा। और क्या बताया था, कैपिटल क्या रहेगी अपनी, कांस्टेंट बताई थी कल वाले टॉपिक में, याद आ रहा है कल कुछ ऐसा बताया था, रिस्पॉन्ड करो, यस मैम। था ना ऐसा कुछ, भूल तो नहीं गए इतनी जल्दी? नो मैम। एकता हनी बताओ बेटा, यस मैम था। यस मैम। है ना ऐसे ही था। अब इसमें एक चीज देखो, ये देखो तो ये जो फिक्स्ड फैक्टर था लैंड, राइट स्पॉट फॉलो करो बेटा, है ना, ये किससे खरीदी जाती है, लैंड जमीन कैपिटल के थ्रू, ठीक। तो ये देखो ये हर बार क्या है, कांस्टेंट है, उतना ही है। लेबर देखो वेरी कर रहा है, पहले जीरो था फिर वन हुआ फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन फिर एट। देखो प्रोडक्शन हो रहा है, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, एवरेज निकाला आपने, मार्जिनल निकाला, निकाला था। यस मैम। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला था, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वहां से कौन सा स्टेज स्टार्ट होगा, सेकेंड स्टेज। इसके पहले तक ये फर्स्ट स्टेज, और जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हुआ, याद रखना जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हुआ वहां से कौन सा स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, स्टेज थ्री। ये थ्री करो, ये टू को थ्री करो सब, वो जो स्टेज टू है ना लास्ट में उसको स्टेज थ्री करना है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अब देखो एक ग्राफ बनाएंगे इस डेटा के बेस पे, जैसे बोलूंगी वैसे बनाना, जैसे स्क्रीन पे शो करेगा उसमें मैं सिर्फ जो पॉइंट्स बोलूंगी आप सिर्फ वही पॉइंट डालना, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मत करना। आज अच्छे से कर लो, आपको एग्जाम में बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे जैसे स्टेप बोलूं वैसे वैसे करते जाना। आ रहा है समझ में? यस मैम। देखो ये एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ बताऊंगी, देखो ये वाई एक्सिस दिख रही है सबको, जिसमें प्रोडक्ट लिखा है, और ये एक्स एक्सिस में इनपुट लिखा है। तो यहाँ पे अपना इनपुट क्या है, लेबर। देखो यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट लिखा है, वेरिएबल। वेरी क्या कर रहा था अपना हर बार, ये वेरिएबल इनपुट क्या था अपना, लेबर। और एक तरफ क्या लिखा है हमने, प्रोडक्ट, ये देखो आउटपुट। तो चलो ऐसी दो लाइंस बनाओ, है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना यहाँ पे इनपुट लिखना, साथ साथ बना रहे हो कि नहीं, है यस मैम। बना रहे हैं। ना, जैसे बोलूंगी उतना करना। ये डॉट डॉट्स आप लोग मत बनाना अभी, सिर्फ ये करो। और ये देखो ऐसे बनाओ, पांच पांच के गैप में मार्जिन दो,
5, 10, 15, 20, 25, 30 से लेकर 70 तक पूरा अच्छे से बनाना, नीट एंड क्लीन बनाना, भले पेन से बनाओ चलेगा पर अच्छे से बनाओ। हो गया सबका? मेरे को साथ साथ रिस्पॉन्ड करते चलो सब। हनी, एकता, अपर्णा, अपर्णा कल नहीं थी क्लास में बेटा? नो मैम, कल नहीं थी। अच्छा ठीक है, जैसे बोल रही हूँ ना अभी समझो वैसे। यस मैम। हाँ बना लिया सबने एक्स और वाई एक्सिस। अब देखो एक सिचुएशन दूंगी, सिर्फ वैसे ही करना ठीक है, अभी एक्स्ट्रा आप लोग कुछ मत करना उसको। ये जो मैंने लिखा है ना ये मैं डिलीट कर रही हूं, अब आप लोग देखना है इसमें ठीक। ये देखो, ये देखो, ये जीरो जो लिखा है फर्स्ट लाइन में, जीरो के टाइम पे टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है अपना? जीरो आ रहा है। रेड स्पॉट देखो। यस मैम। जीरो के साथ टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है अपना? जीरो। तो देखो ये भी जीरो है, देखो इस एक्स एक्सिस के लिए यही जीरो है और वाई के लिए भी यही जीरो। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा ये पॉइंट बनाए, ये देखो ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे एक डॉट बनाओ। बनाया डॉट सबने? यस मैम। फिर देखो वन के साथ क्या रखा है? टेन। वन के साथ क्या है? टेन है। तो देखो ये लेबर, एक लेबर है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? टेन। तो देखो ये वाला लेबर है, ये है। तो देखो जस्ट वन के ऊपर में टेन पे ऐसे एक डॉट बनाओ, यहाँ पे ऐसे जहां पे मेरा रेड स्पॉट है वहां पे डॉट बनाओ, टेन और वन की मार्जिन पे। बनाया सबने? यस मैम। फिर देखो देखो सब ना अभी अपन सिर्फ ये और टोटल प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर टू पे क्या बनाना है? 24। तो ये देखो टू पे आओ और ऊपर की तरफ मूव करो, यहाँ पे ये 24 बनाओ, 25 के जस्ट थोड़ा सा नीचे, जस्ट 2 के 24 है ना, 20 और 25 के बीच में, मतलब 25 से थोड़ा नीचे 24 पे डॉट बनाओ यहाँ पे। बनाया सबने? यस मैम। फिर 3 पे क्या बनाना है? 39। ये देखो ये 3 जस्ट और उसके ऊपर जाएगा, देखो 39 मतलब 40 के जस्ट एक पॉइंट नीचे। यस मैम। नेक्स्ट देखो 4 पे क्या बना है? ये देखो 52 ऊपर दिखा ना, ये देखो ये 4, ये 4 पे बना अपना 52, ये 50 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे आप। यस मैम। फिर देखो क्या बन रहा है 5 पे? 51। तो देखो अब कम नीचे की तरफ मूव करेगा, 52 से क्या हो गया 51, लेकिन इस तरफ ना, ये देखो ये 5 है, आप 5 पे बनाना यहाँ पे कहीं पे 51। आ रहा है समझ में? फिर 6 पे बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे? बनाएंगे? हाँ सिक्स पे बनाओ 66।
सेम ऐसे ही बनाते चलो टोटल प्रोडक्ट का. अच्छा सुनो, ये ना इसको 61 करो तो ये 52 के बाद ये 51 लिखा है, ये 61 है बेटा, ये मिसप्रिंट है, ये देखो ये 52 के बाद 61 है. आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. सब करेक्ट करो, ये 61 है तो 5 पे 61 बनाएंगे सब, 5 पे ऊपर 61, फिर 6 पे 66, 7 पे भी 66 बनेगा और 8 पे बनेगा 64, थोड़ा सा नीचे जस्ट. सबका बना? Yes, ma'am. चलो पॉइंट्स को ऐसे जॉइन करो, ये देखो ये जीरो से लेना और ऐसे ऊपर की तरफ देखो ऐसे बन रहा होगा, एक शेप आ रहा है ऐसे. बना सबका? कोई ऐसा है जिसका शेप नहीं आया हो गया मैम? अब बन गया. हाँ अब नेक्स्ट देखो, अब हम किस में आएंगे? एवरेज में आएंगे. देखो उस लाइन को नाम दो टोटल प्रोडक्ट का, ये देखो ये टोटल प्रोडक्ट को हमने पुट किया ना टीपी, तो वहां पे टीपी दे दो. फिर अब देखो अपन एवरेज प्रोडक्ट बनाएंगे. एवरेज प्रोडक्ट में देखो सेम जीरो पे जीरो आ रहा है, ठीक, तो आपने ऑलरेडी जीरो पे जीरो पुट कर चुके होंगे टोटल प्रोडक्ट के टाइम पे. अब नेक्स्ट देखो वन पे कितना आ रहा है, 10, तो yes, ये जो आपका 10 था ना उसके ऊपर एक और सर्कल कर दो, मतलब एक डॉट बनाया था आपने, अब उस डॉट के ऊपर एक हल्का सा ऐसे बस सर्कल बना दो, उसको ज्यादा मोटा मत करना, बस उस डॉट के ऊपर एक सर्कल कर देना छोटा सा, कि समझ में आएगी एवरेज प्रोडक्ट का. फिर सेम 2 पे 12 करना, जैसे ये 2 है तो 2 पे 12 करना, ये देखो ये 12 आया 10 के जस्ट ऊपर ये वाला पॉइंट. फिर करना 3 पे 13, ये देखो ये 3 पे 13 करना, और 4 में भी 13 करेंगे. फाइव पे करना 12.2, ये देखो ये, मतलब 10 और 15 के जस्ट सेंटर पे डालना 12.2, ठीक. फिर फाइव पे सॉरी हाँ फिर सिक्स पे डालना 11, सिक्स पे डालना 11, सेवन पे डालना 9.1, मतलब 10 के जस्ट एक पॉइंट नीचे 9.1, और 8 पे डालना 8, ये 8 है और इस पे डालना 8. सबने पुट किया एवरेज प्रोडक्ट को? Yes. कोई ऐसा है जिसका नहीं बना है? प्रशांत, हनी, एकता, अपर्णा, अदिति, बन रहा है सबसे? मैं बन गया. हाँ yes, ma'am. है ना. अब देखो जीरो वाले को फिर से मत लेना, ये 10 वाले से ही लो और ऐसे ये लाइन बनाओ, पॉइंट्स को मैच कर लो. और उसको नाम दे देना एपी का, एवरेज प्रोडक्ट. हो गया? Yes, ma'am. सेम अब इसका करेंगे. देखो मार्जिनल का जीरो पे जीरो तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है. फिर देखो वन पे कितना था, 10, अब उस 10 के जो एक सर्कल बनाया था उसके ऊपर अब एक और सर्कल बना दो, एक सेकेंड सर्कल और बना दो छोटा सा उसके ऊपर. आ रहा है समझ में? फिर टू पे पुट करेंगे 14, ये रहा आपका 2 है ना, और इस पे पुट करेंगे ये 14, ये देखो जस्ट नीचे 15 के,
फिर थ्री पे नोट करना आप 15, ये थ्री पे 15 पे डॉट बनाओ, ध्यान से बनाना डॉट, कंफ्यूज मत होना, आराम से। फोर पे क्या बनाएंगे, 13। देखो 13 और 13 मैच कर रहा है, उसके ऊपर एक सर्कल बना दो, सेम डॉट है तो एक छोटा सा सर्कल बना दो उसके ऊपर। फाइव पे बनाओ 9, जस्ट 10 के थोड़ा सा नीचे। सिक्स पे बनाएंगे आप लोग 5, देखो 7 पे क्या लिया है 0, तो आप लोग यहां पे जैसे ही देखो ये 7 पे कैसे पॉइंट किया है, जस्ट ये 0 वाली लाइन पे, ये देखो ये 0 ये 7, तो जस्ट यहां नीचे ही डॉट बनाओ 7 पे ही। किया सबने? यस मैम। और 8 पे देखो क्या आ रहा है, -2, तो जस्ट ये 0 है, ग्राफ के नीचे वाला पोर्शन क्या होता है माइनस, यानी ये -1 होगा -2, तो देखो नीचे बनाया है इस एक्स एक्सिस के भी, ये नीचे ले रहा है। बनाया आपने? और उसको नाम दे देना मार्जिनल प्रोडक्ट, M.P. सबका बना? यस मैम। बाकी? यस मैम। यस मैम। है ना, अब उसको जैसे जैसे इसमें नेमिंग किया ना वैसे कर लो जल्दी से आप लोग, फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अब देखो मैम, स्टेज में डिवाइड करना है हम लोग को। हाँ करो ना, करो सेम करो, पर ध्यान से ये देखो स्टेज वन कहाँ तक का था, ये जहाँ पे एपी और एमपी मिलते हैं वहां से स्टेज टू शुरू हो जाएगा, यानी कौन से वाले पॉइंट पे, जहाँ पे चार लेबर है। तो देखो ये जहाँ पे चार लेबर मिले यहाँ से, ये स्टेज टू की एक बाउंड्री देना, ठीक है। फिर स्टेज थ्री कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे ये जीरो हो रहा है, मतलब 7 लेबर, तो ये देखो ये 7 लेवल पे एक बाउंड्री देना और वहां पे लिखना स्टेज 3। आ रहे समझ में? एक्सप्लेन करूं मैं इसको? अब यस मैम। अब इसमें देखो जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक, शॉर्ट रन इसमें 3 स्टेज में डिवाइड होता है ये प्रोडक्शन में। इसमें देखो जो स्टेज 1 तक का था ना, उसमें देखो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था, एवरेज प्रोडक्ट भी देखो बढ़ते जा रहा था, पहले 10 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, दिख रहा है। फिर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ ही रहा है, पहले 10 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है। तो जहां पे वो बढ़ते जा रहा है, जहां तक, वो कहलाता है स्टेज 1। स्टेज 2 में देखो यहां से ना प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, देखो प्रोडक्शन तो पूरे में बढ़ेगा, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे आके इक्वल हो जाते हैं,
वहां से स्टेज टू स्टार्ट होता है और देखो यहाँ से ये कम होने लगता है, पहले 13 आ गया, फिर 12.2, फिर 11, देख रहे हो ये कम होते जा रहा है एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है लेकिन जो एवरेज निकाले हम इनका वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब प्रोडक्शन में ग्रोथ तो हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट में, मतलब जिस स्पीड से एवरेज प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा था उस स्पीड से एवरेज प्रोडक्ट अब सेकेंड स्टेज में नहीं बढ़ रहा है बल्कि क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। आया समझ में? यस मैम। देखो ये मार्जिनल प्रोडक्ट भी सेकेंड स्टेज में आने के बाद कम होते जा रहा है और एक पॉइंट पे आके जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता है। और उसके बाद अगर हम एक एक्स्ट्रा लेबर लगा भी लेते हैं, देखो एक एक्स्ट्रा लेबर हमने लगाया भी, ठीक प्रोडक्शन भी बढ़ा लेकिन क्या हो रहा है, देखो प्रोडक्शन तो कम ही हो गया प्लस अब ये मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में चले गया तो ये स्टेज थ्री। तो ये तीन स्टेज में प्रोडक्शन होता है। अब आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि कंपनी को कौन से स्टेज तक के प्रोडक्शन करना चाहिए मार्केट में, बताओ स्टेज वन तक में आने तक उसको प्रोडक्शन करना चाहिए कि स्टेज टू के आने तक प्रोडक्शन करना चाहिए कि स्टेज थ्री तक। चलो बताओ थोड़ा सा माइंड ओपन करो, बताओ कंपनी को कौन से स्टेज तक प्रोडक्शन करना चाहिए, स्टेज टू तक। टू तक बताओ। यस मैम। क्यों मैम? क्योंकि टू पे जाके इक्वल हो जाता है ना, तो टू पे क्या इक्वल हो जाता है मैम, के बाद वो माइनस में चला जाता है इसीलिए वो लॉस होगा। टू के बाद वो माइनस में चले जाते हैं इसलिए वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस होगा। अच्छा अच्छा और जो फर्म का जो डिसीजन होगा कि देखो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये बना के पूछेगा, एक सेकंड देखो एक क्वेश्चन आपको ये पूछेगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ। तो कौन कौन सी प्रोडक्शन की ऐसी चीज है जिसमें हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अप्लाई कर सकते हैं, बताओ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। देखो एक तो आपका आंसर सही था कि इसको सेकेंड स्टेज तक के प्रोडक्शन को स्टार्ट करना चाहिए, मतलब यहां तक कि उसको प्रोडक्शन करना चाहिए, जैसे ही वो स्टेज थ्री पे आता है उसको प्रोडक्शन बंद करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो लेबर भी ज्यादा है प्लस टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और एवरेज और मार्जिनल क्या हो गया है, अब इक्वल हो गया है। तो जहां पे एवरेज और मार्जिनल इक्वल हो जाता है तो उसको अपना प्रोडक्शन उतने ही स्पीड तक रखना चाहिए, मतलब उसको 4, 5 या 6 लेबर तक ही इम्प्लॉय करना चाहिए, 6 से ज्यादा उसको अब नहीं रखना चाहिए। तो स्टेज टू में उसको ऑपरेट करना चाहिए फर्म को। अब ये जो लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये कौन कौन से उसमें एप्लीकेबल होगा बताओ, मतलब कौन कौन से एरियाज में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो रेंट थ्योरी पे भी हम डाल सकते हैं इसको, प्रोडक्शन की हर चीजों में डाल सकते हैं, और किस में डाल सकते हैं, ये देखो ये टोटल प्रोडक्ट, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे आप एग्जाम में ऐसे, देखो एक्सप्लेन करेंगे स्टेज वन में क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ रहा है। आप अपनी डायग्राम को देखते जाओ, स्टेज वन तक क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ते जाता है। टोटल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, टोटल प्रोडक्ट के बाद क्या लिखा था, एवरेज प्रोडक्ट, वो बढ़ रहा है। स्टेज टू में क्या हो जाता है, जो एवरेज प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होता है, कम होता है, लेकिन क्या लिखा है इसमें, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है। स्टेज थ्री पे क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन। ये देखो ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है नेगेटिव, और अपना जो ये टोटल प्रोडक्ट वाली लाइन थी ये देखो ये क्या हो रही है, डिक्लाइन।
ये पहले बढ़ रही थी अपने पीक पे थी, फिर वो नीचे की तरफ आई। तो जो चीज अपने पीक पे जाती है तो फिर उसका डाउनफॉल भी होता ही है। और मार्जिनल प्रोडक्ट हर स्टेज में कहाँ जा रही है? नेगेटिव की तरफ। ये क्लियर है सबको? स्टेज वन, ये थ्री स्टेजेस बताओ। यस यस मैम। अब देखो, आप एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को देखो। मार्जिनल प्रोडक्ट जब ज्यादा था किससे? एवरेज प्रोडक्ट से, तब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था। आप अपने डायग्राम को साथ में रखो। जब जो डायग्राम मैंने बनाया है उसको देखो, जो चार्ट बनाया है ना हमने, उस चार्ट को देखो। जब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट कब बढ़ा है? जब लेबर तीन है। देखो, जब लेबर तीन है अपने पास, तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 15 है और एवरेज प्रोडक्ट अपना 3 है, तो कौन बढ़ा है दोनों में? मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा है कि नहीं उस समय? Yes, ma'am. और उस पॉइंट पे देखना जो एवरेज प्रोडक्ट है 0, 10, 12, 13, वो इंक्रीज हो रहा है। सेकंड में देखो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम है एवरेज प्रोडक्ट से, मार्जिनल प्रोडक्ट जब कम है एवरेज प्रोडक्ट से, उस पॉइंट पे देखो जब लेबर को 5 रखा है हमने। जब लेबर को 5 रखा है तो एवरेज प्रोडक्ट देखो 12.2 आया और मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आया? 9। तो अब दोनों में से क्या बढ़ा है? 12.2, यानी एवरेज प्रोडक्ट बढ़ा है। तो उसके बाद से देखना एवरेज प्रोडक्ट ना वो डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 12.2 के बाद वो 11 हो गया, फिर 9.1, फिर वो 8, मतलब वो डिक्रीज होते जा रहा है। थर्ड सिचुएशन देखो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बराबर है, यानी कौन सी सिचुएशन? जहाँ पे 4 लेबर है, जहाँ पे 13-13 है दोनों, एमपी और एपी, उस समय एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है। मतलब उस समय जो एवरेज प्रोडक्ट 13 आया है वो हाईएस्ट वैल्यू है, उसके बाद 14, 15, 16 नहीं आया। मतलब 13 हाईएस्ट है, 13 से ज्यादा क्या होता है? 14। लेकिन देखना कभी भी एवरेज प्रोडक्ट 14, 15, 16 नहीं गया। तो जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होगा, तो समझना वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंचे है। क्लियर है ये चीज? कहीं डाउट है किसी को? प्रशांत, योगिता, हनी, एकता? नो मैम। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये तो किसके बीच का रिलेशन था? एपी और एमपी। अब सेम टीपी और एमपी पे करो। When TP मतलब total product increases at increasing rate, MP increases। देखो जब तक total product भी बढ़ेगा तब तक marginal product भी बढ़ते ही जा रहा है। देख सकते हो आप, देखो 10, 24, 39, 52, 51 है, तो 10, 14, 15, 13 वो भी बढ़ रहा है। फिर जब total product बढ़ रहा है कौन से rate में? Decreasing rate में। Decreasing rate समझते हैं आप क्या होता है? जब भी आपसे decreasing rate पूछे तो आप bracket में लिख लो कि average product बोल रहा है। टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है लेकिन एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखो एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो 13 हो गया, 12.2 हो गया, 11 हो गया। एवरेज प्रोडक्ट तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है। और जब टोटल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम है यानी 66, तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है? 0। देखा आपने, जब टोटल प्रोडक्ट 66 पहुंच गया तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया था? 0। और जब टोटल प्रोडक्ट कम हो रहा है, मतलब 66 से अब 64 हुआ है, कम होना शुरू हो रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। आ रहा है समझ में? यस मैम। तो देखो इस डायग्राम को, इस चार्ट को ऐसे एनालाइज करना है। आप इसको नोट कर लो, आप एग्जाम में कट टू कट ऐसा ही लिखना। हाँ, एक चीज और, इसको लिखने का तरीका जो आपको नोट्स दिए जाएंगे इसको वैसे ही लिखना। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? बताओ। यस मैम।
और हाँ, इस लॉ का मैंने एक नाम बताया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बताया था। तो आप कौन से स्टेज को बोलेंगे कि ये डिमिनिशिंग की तरफ मूव कर रहा है? स्टेज वन को बोलेंगे कि स्टेज टू को, कि स्टेज थ्री को? स्टेज टू। स्टेज टू आपका डिमिनिशिंग रिटर्न कहलाएगा इसमें। आया समझ में? तो ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, इतना ही है।